केंद्रीय राज्य मंत्री प्रताप चंद्र सारंगी मुंबई पहुंचे। यहां उन्होंने उड़िया समाज के लोगों को संबोधित किया, विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के लिए वोट मांगे। इस दौरान मुंबई से हमारे सहयोगी संजय प्रभाकर से खास बात हुई। उड़ीसा के मोदी कहे जाने वाले प्रताप चंद्र सारंगी, जो कि केंद्र में राज्य मंत्री हैं, उनसे बात करते हैं। आप मुंबई रे स्वागत अच्छी। नमस्कार, मैं भी उड़ीसा से हूं, आपसे ये जानना चाहता हूं, आप उड़ीसा के मोदी कहे जाते हैं और यहां पर उड़ीसा के लोग भारी संख्या में रहते हैं, आप क्या अपील करेंगे? मैं ये अपील करता हूं कि उड़ीसा के जितना लोग इधर है, सब इधर बीजेपी की प्रार्थियों की तरफ से वोट दीजिए। वोट देने के लिए मैं अपील करता हूँ, क्योंकि ये बीजेपी राष्ट्रीय विकास के लिए कटिबद्ध है। बीजेपी युवाओं की आशा आकांक्षा को पूरा कर सकता है, महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान रख सकता है, और संपूर्ण राष्ट्र का विकास के लिए बीजेपी प्रतिबद्ध है। इसलिए बीजेपी एकमात्र विकल्प है। नरेंद्र मोदी को शक्तिशाली बनाना आज एक राष्ट्रीय जिम्मेदारी हमारे लिए बन गई। सारंगी साहब, ये जो देखा गया है कि विपक्ष आप पर हमला कर रहा है यहाँ पर महाराष्ट्र में, कि सभी किसानों को यहाँ पर कर्ज मुक्त नहीं किया गया, उनको कर्ज से मुक्ति नहीं दी गई और माफी नहीं किया गया। आप चूंकि कृषि के लिए गांव ग्रामीण स्तर पर माइक्रो लेवल स्तर पर काफी काम करते रहे, किन समस्याओं का समाधान को आप करेंगे यहाँ पर, भाजपा करेगी, आपका क्या सुझाव होगा लोगों के लिए? ये किसान अपना कर्ज मुक्त करने का सामर्थ्य अंदर में कैसा बिल्डअप होगा, इस दिशा में बीजेपी काम करता है। कर्ज मुक्त करना छोड़ना ये स्थानीय स्तर पर सरकार का ऊपर निर्भर करता है स्थिति के अनुसार, लेकिन इकोनॉमी को सुदृढ़ बनाने के लिए जो जो नई टेक्नोलॉजी व्यवहार करना है बीजेपी बराबर करता है। इसका किसानों का कर्तृत्ववान कैसे करना, उनका रोजगार कैसे बढ़ाना, उनको कैसे मार्केटिंग एक्सपर्टाइज देना, ये सारे विषय में बीजेपी काम करता है। और जिन लोगों ये बोलते हैं वो 60 साल शासन किया है, क्या क्या था इस देश में, इस प्रदेश में, ये हमको भी जानते। आखिरी सवाल है मेरा कि उद्धव ठाकरे जो कि भाजपा के इस समय साथी हैं गठबंधन में, उन्होंने कहा कि लग ही नहीं रहा है कि चुनाव हो रहा है, क्योंकि मैदान में योद्धा है, सामने योद्धा नहीं है। नहीं, ये मैं उस पर टिप्पणी नहीं करता हूँ, लेकिन साफ दिखता है कि भाजपा शिवसेना और बाकी जो अलायंस है ये विजयी होने वाला है और इसमें कोई संदेह नहीं। चंद्र सारंगी जिनका कहना है कि उड़ीसा के लोग यहाँ पर भारी संख्या में रहते हैं, लोग जो है भाजपा का साथ दें, उनका भी ये मानना है कि इस चुनाव में कांग्रेस और एनसीपी बिल्कुल कमजोर नजर आ रही है, लोगों को एक बार फिर से यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस की सरकार बनानी चाहिए ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं मिल सके और विकास का काम आगे बढ़ सके। मुंबई के कांदिवली से संजय प्रभाकर, R9 TV के लिए।